शराब घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी का एक घोटाला और सामने आया जब उन्होंने अपनी बेल याचिका लगाई और ये कहा कि मेरा शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, मैं डायबिटिक हूं और मुझे तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। ईडी का सनसनीखेज खुलासा सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तली चीजें खा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं, जबकि वो डायबिटिक 2 हैं, जिनको ये चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी शुगर लेवल बढ़ जाए और इस तरह से करके मैनिपुलेट करके वो जेल से बाहर आए। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडा इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। अब ये जब सब कुछ सामने आया तो माननीय कोर्ट ने तुरंत कहा कि जेलर से सारी रिपोर्ट मंगाई जाए और एडवोकेट साहब को कहा कि आप इनका डाइट प्लान दीजिए, इनको क्या खाना चाहिए है। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है ताकि वो जेल से बाहर आ सके। दिल्ली के लोगों को सच समझ में आ गया, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। शराब घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी का एक घोटाला और सामने आया जब उन्होंने अपनी बेल याचिका लगाई और ये कहा कि मेरा शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, मैं डायबिटिक हूं और मुझे तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। ईडी का सनसनीखेज खुलासा सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तली चीजें खा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं, जबकि वो डायबिटिक 2 हैं, जिनको ये चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी शुगर लेवल बढ़ जाए और इस तरह से करके मैनिपुलेट करके वो जेल से बाहर आए। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडा इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। अब ये जब सब कुछ सामने आया तो माननीय कोर्ट ने तुरंत कहा कि जेलर से सारी रिपोर्ट मंगाई जाए और एडवोकेट साहब को कहा कि आप इनका डाइट प्लान दीजिए, इनको क्या खाना चाहिए है। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है ताकि वो जेल से बाहर आ सके। दिल्ली के लोगों को सच समझ में आ गया, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े घोटालेबाज हैं।